नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। कल पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएगा। आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब से कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि देश नए संकल्पों के साथ अमृत काल में प्रवेश किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत को साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के अंक में हम राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम दिए संदेश में समाहित बातों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित। कहा, देश सभी मोर्चों पर कर रहा है अच्छी प्रगति, विपरीत परिस्थितियों में भी देश की विकास दर प्रभावी। सरकार ने लोगों पर नहीं पड़ने दिया महंगाई का बड़ा प्रभाव, आर्थिक वृद्धि में किसानों के योगदान को सराहा। राष्ट्रपति ने दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का किया जिक्र। कहा, भारत की G20 की अध्यक्षता में डिप्लोमेसी को जमीन से जोड़ा गया, दुनिया से जलवायु परिवर्तन की चिंताओं पर ध्यान देने की अपील। कहा, असामान्य मौसम की घटनाएं गरीबों वंचितों पर सबसे अधिक डालती है प्रभाव। राष्ट्रपति ने किया देश के समावेशी विकास का जिक्र। कहा, पिछले दशक में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, आदिवासियों से अपनी परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता अपनाने की अपील। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर राष्ट्रपति ने जताई खुशी। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी। पीएम मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा, राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम और हिस्सों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। हर घर तिरंगा अभियान की देश भर में मची धूम। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश ने 1947 के बंटवारे के शहीदों और पीड़ितों को किया याद। पीएम ने विस्थापन का दंश झेलने वालों को किया नमन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने देश की भावनाओं के साथ किया धोखा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी का करारा पलटवार। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, घमंडिया गठबंधन के लोग देश के लोगों को कह रहे हैं राक्षस। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, लगता है कांग्रेस ने विपक्ष में बने रहने का ले लिया है फैसला। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। बीते 24 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। शिमला में भूस्खलन होने के कारण दर्जनों लोगों के दबने की आशंका। राज्य में सभी स्कूल बंद। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से हो रही है काफी तबाही। महंगाई के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर। थोक महंगाई दर जुलाई में रही -1.36%, लगातार चौथे महीने नकारात्मक बनी हुई है थोक महंगाई दर। ईंधन के दामों में कमी आना महंगाई में कमी का सबसे बड़ा कारण। तो ये थे अब तक की तमाम अहम सुर्खियां, और अब इन्हीं सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अब से कुछ देर पहले ही राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने जहां देश के विकास का खाका सभी के सामने रखा, तो वहीं नए भारत की साकार होती कल्पना का भी एक चित्रण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत
विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और प्रगति की इस यात्रा में समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ पर लगातार जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने नए संकल्पों के साथ अमृतकाल में प्रवेश किया है और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू ने जब देश को संबोधित किया तो उनके भाषण में न केवल देश के विकास का खाका था बल्कि नए भारत की साकार होती कल्पना का चित्रण भी था। राष्ट्रपति ने कहा कि देश सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रहा है। जहां दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं नाजुक दौर से गुजर रही हैं, वहीं देश ने चुनौतियों को अवसर में बदला है और प्रभावशाली जीडीपी ग्रोथ भी दर्ज की है। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन चिंता का कारण बनी हुई है, लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने में सफल रही है। सरकार ने जन सामान्य पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया है और साथ ही गरीबों को व्यापक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। वैश्विक आर्थिक विकास के लिए दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई है। आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति ने अन्नदाता किसानों के योगदान को सराहा और कहा कि हमारी आर्थिक वृद्धि में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, राष्ट्र उनका ऋणी है। राष्ट्रपति ने देश के समावेशी विकास का जिक्र किया। वंचितों को वरीयता प्रदान करना हमारी नीतियों और कार्य के केंद्र में रहता है। परिणाम स्वरूप पिछले दशक में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकलना संभव हो पाया है। इसी प्रकार आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें प्रगति की यात्रा में शामिल करने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों से अपील करती हूँ कि आप सब अपने परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाएं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी जिक्र किया और कहा कि इस बात की खुशी है कि इस नीति से बदलाव आना शुरू हो गया है। विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के साथ मेरी बातचीत से मुझे ज्ञात हुआ है कि अध्ययन की प्रक्रिया अधिक फ्लेक्सिबल हो गया है। इस दूरदर्शी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य प्राचीन मूल्यों को आधुनिक कौशल के साथ जोड़ना है। इससे आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे और परिणाम स्वरूप देश में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। भारत की प्रगति को देशवासियों विशेषकर युवा पीढ़ी के सपनों से शक्ति मिलती है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता आंदोलन में जान गंवाने वाली वीरांगनाओं को याद किया और इस बात पर खुशी जताई कि आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही हैं। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। राष्ट्रपति ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जिक्र किया और कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश ने नए संकल्पों के साथ अमृतकाल में प्रवेश किया है तथा हम भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने लोगों से अपील की कि लोग अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस साल 2023 में G20 की बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यक्षता कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि हमारे लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का ये एक बहुत ही अद्वितीय अवसर है। उन्होंने कहा कि व्यापार और वित्त के अलावा मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़े विषय भी कार्यसूची में शामिल किए गए हैं, जो कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए काफी महत्वपूर्ण है और किसी भी भौगोलिक सीमा से बंधे हुए नहीं है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन में भारत की G20 अध्यक्षता का विस्तार से जिक्र हुआ। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्यों और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अग्रणी स्थान बनाया है तो G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाला है। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत व्यापार और वित्त के क्षेत्रों में हो रहे निर्णयों को न्यायसंगत प्रगति की ओर ले जाने में प्रयासरत है। भारत की G20 की अध्यक्षता में एक नई बात यह है कि डिप्लोमेसी को जमीन से जोड़ा गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक गतिविधि में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरह का पहला अभियान चलाया गया है। उदाहरण के लिए ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि स्कूलों और कॉलेजों में G20 से जुड़े विषयों पर आयोजित की जा रही गतिविधियों में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। G20 से जुड़े कार्यक्रम के बारे में सभी नागरिकों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का भी जिक्र किया और कहा कि पूरी दुनिया को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में एक्सट्रीम इवेंट्स हुई है। देश के कुछ हिस्सों में असाधारण बाढ़ का सामना करना पड़ा है, कुछ स्थान सूखे की मार झेलते हैं। इन सब का एक प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग को भी माना जाता है। अतः पर्यावरण के हित में स्थानीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर प्रयास करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व लक्ष्य को प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान को भारत ने नेतृत्व प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में हमारा देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विश्व समुदाय को हमने लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि असामान्य मौसम की घटनाएं गरीब और वंचित वर्गों के लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं और शहरों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन की स्थितियों का सामना करने के लिए विशेष रूप से सक्षम बनाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। आज भी अनेक जनजातीय समुदाय ऐसे हैं जो प्रकृति के बहुत करीब और प्रकृति के साथ सौहार्द बनाकर रहते हैं। उनके जीवन मूल्यों और जीवन शैली क्लाइमेट एक्शन के क्षेत्र में अमूल्य शिक्षा प्रदान करते हैं। जनजातीय समुदायों द्वारा युगों से अपना अस्तित्व बनाए रखने के रहस्यों को एक शब्द में ही व्यक्त किया जा सकता है और शब्द है हमदर्दी। जनजातीय समुदाय के लोग प्रकृति को माता समझते हैं तथा उसकी सभी संतानों अर्थात वनस्पतियों और जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों को याद किया तो साथ ही सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना के जवानों, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले सभी बलों एवं पुलिस के जवानों तथा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के साथ ही सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए। हम ब्रेक पे जाएं लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ खास मेहमान हैं और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो आज का विशेष है वो ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, नए संकल्पों के साथ अमृतकाल में भारत का प्रवेश। वो क्या कुछ नए संकल्प हैं जिसके साथ भारत अब अमृतकाल में, और हम जानते हैं कि अमृतकाल 2047 तक
प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें विकसित भारत की जो कल्पना है, जो परिकल्पना है, उसको साकार करना है। तो उन तमाम संकल्पों के साथ अब हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, भारत का प्रवेश। और आज इसी विषय पर हम बहुत ही विस्तार से हमारे दो खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान, दीपशिखा सिकरवार जी जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, वो जुड़ चुकी हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपशिखा मैम। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं अशोक कुमार टंडन जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दीपशिखा जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। राष्ट्रपति ने बहुत ही विस्तार से, जब हमने कहा कि एक नए आयाम के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ, एक नए संकल्प के साथ भारत अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो 2047 का जो लक्ष्य है कि हमें विकसित भारत बनना है, वो संकल्प कैसे सिद्ध होंगे, उनमें आपकी नज़र में वो क्या कुछ अड़चने हैं जिनको कि आने वाले 25 वर्षों में दूर करना जरूरी है ताकि हम उन संकल्पों को सिद्ध कर सकें। दीपशिखा जी देखिए, प्रधानमंत्री ने जो एक ये लक्ष्य हमारे सामने रखा है, देश के सामने रखा है कि भारत को एक विकसित देश बनाना है, तो सबसे पहले तो आर्थिक दृष्टि से, उसके अलावा जो है अर्थव्यवस्था को किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे, उसके अलावा आम आदमी के लिए, आम आदमी का रहने का लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको कैसे बढ़ाएंगे, आम आदमी के लिए ईज ऑफ लिविंग, उसके तहत आप क्या कुछ करेंगे, इन सबके तहत जो एक लक्ष्य रखा गया है उसके तहत बहुत सारी नीतियां हैं जिनको बनाया जा रहा है। और जैसे प्रधानमंत्री ने गति शक्ति के बारे में कहा था इंडिपेंडेंस डे के ही अपने स्पीच में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ये सभी चैलेंजेस जो हैं, ये सारी जो लक्ष्य रखे गए इनमें चुनौतियां भी हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा एक डेवलप्ड नेशन के बतौर खड़ा हो पाना, इनमें बहुत सारे चैलेंजेस भी रहेंगे। दूसरा जो एक सबसे बड़ी चुनौती सभी देशों के सामने है जो है क्लाइमेट चेंज की, जो क्लाइमेट चेंज के असर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस साल हमने देखा कि मानसून की जो बारिश है वो किस तरह से बहुत ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना खराब रहा है, फ्लड्स एक तरफ आ रहे हैं, बाकी देशों में भी ये चीज महसूस की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती आएगी भारत के भी सामने। और उसके अलावा जैसे आर्थिक स्तर पर जो चुनौतियां हैं कि किस तरह से आप अपनी आर्थिक विकास दर को आप बना के रख सकते हैं, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इनको भी करना बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन भारत इस समय आर्थिक गति जो है, भारत की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी, बाकी देशों की तुलना में बहुत ठीक ठाक चल रही है, बिल्कुल। तो लेकिन इसको किस तरह से आप और गति दे सकते हैं, जो कार्यक्रम सोशल सेक्टर के लिए चल रहे हैं, आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए, गरीबी रेखा के नीचे से आप कितने और लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। और ये भी हमारे पास तथ्य है मैम कि जिस तरह से हमने देखा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बीते 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। अगर इस तरह की चीजें आगे होती रहीं तो यकीन मानिए कि वाकई 2047 तक जो विकसित भारत का जो सपना है वो हमारा साकार हो जाएगा। लेकिन अशोक सर मेरा सवाल ये कि जिस तरह से राष्ट्रपति ने आज कहा कि व्यापार की बात हो या फिर वित्त की बात हो, इनके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो मानव विकास है, उससे जुड़े जो विषय हैं उसको भी हमने G20 में शामिल किया है, और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो भौगोलिक सीमा है उससे बाहर हैं, उससे बंधे हुए नहीं हैं। ऐसे में ह्यूमन डेवलपमेंट राष्ट्रपति की नजर में, सरकार की नजर में अभी भी सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये हम अपने श्रोताओं को ये बताना बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कि जो एक पृष्ठभूमि है वो क्या है, क्योंकि समाज को, हमारे सभी वर्गों को ये बार बार बताना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पृष्ठभूमि की महिला को राष्ट्रपति बनाया, और महिला सशक्तिकरण का वो एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण तो है ही, लेकिन आदिवासी क्षेत्र की एक महिला, एक शिक्षक, उसको राष्ट्रपति बनाकर प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है कि जो हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, उसमें समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको हमने किस तरह से उच्च पद पर लाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो जो बात हम कर रहे हैं उसमें
आज राष्ट्रपति ने सबसे महत्वपूर्ण बात जो की वो की महिला सशक्तिकरण की, और महिला सशक्तिकरण के उन्होंने उन महिलाओं का भी नाम लेकर उदाहरण दिया जिन्होंने समाज रचना में देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, योगदान दिया। उसके बाद उन्होंने बात की कि जिस समाज के वर्ग से वो आती हैं, जिसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं, उस वर्ग के प्रति भी समाज की जो संवेदना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको क्या चाहिए, उनको केवल हमदर्दी चाहिए, हम तो करुणामयी समाज हैं। तो जनजाति समाज के उत्थान की जो बात उन्होंने लगातार की, और उनसे भी अपील की कि आप भी अपनी आस्थाओं से जुड़े होते हुए भी, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी प्रगति की ओर देखें, आगे बढ़े और समाज के अंदर अपना योगदान दें। तो इस कड़ी में उन्होंने जब बात की कि जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं तो अगले 2047 तक जो भारत होगा, जिसकी नए भारत की कल्पना प्रधानमंत्री ने की है, उसमें उन्होंने आर्थिक दृष्टि से तो कहा ही कि आज हम विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन हमको जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, और उसके बाद जब हम भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल मना रहा होगा तब हम विश्व में हम जो जिसको हम सुपर पावर कहते हैं आर्थिक दृष्टि से। तो ये एक जो रोड मैप उन्होंने आज बताया, और उसमें जितनी भी जन कल्याण की योजना है वो समावेशी है, समाज के हर वर्ग के उसमें उसमें उत्थान हो रहा है, उनका उनको लाभ योजनाओं के जरिए ही अगर हम उसको आगे बढ़ाते रहें तो हम उसको पालेंगे। लेकिन एक बात और, अशोक सर, जो राष्ट्रपति ने कही उन्होंने ये कहा, और जो G20 की अध्यक्षता इन्होंने भारत कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने ये कहा कि ये एक नई बात है कि डिप्लोमेसी को जमीन से इस वक्त जोड़ा गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता में जो डिप्लोमेसी है उसको जमीन के साथ, माने कि जो वस्तुस्थिति है, जो फंडामेंटल्स हैं, उनके साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। इन बातों को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए उन्होंने जो ये कहा कि पहली बार डिप्लोमेसी को जमीन से जोड़ा गया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि G20 से संबंधित जितने भी सम्मेलन हुए हैं उसमें सभी राज्यों को उसमें भागीदारी दी गई है, और विद्यार्थी कॉलेज की हों, विश्वविद्यालय की हों, उनमें जो इसके प्रति उत्साह है, प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उसमें उसमें वाद विवाद हो रहा है, तो एक भागीदारी युवा वर्ग की तो हो ही रही है। लेकिन हमारा जो हम जिसको एक फेडरल सिस्टम कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसमें प्रधानमंत्री ने चुन चुनकर हर राज्य में इसके मंत्रियों के जो आयोजन किए, वो भी उसको पहली बार भारत में इतना बड़ा जो विश्वव्यापी हमने ये कार्यक्रम लिया है G20 समिट का, उसमें पूरे देश की भागीदारी की है, नौजवानों की भागीदारी की है। ये एक जमीन से जुड़ने वाली बात है, और ये हमारे लिए एक अवसर है जिससे हम आगे अपनी देश की प्रगति को विश्व के सामने प्रस्तुत कर सके। लेकिन दीपशिखा जी, उन्होंने राष्ट्रपति ने ये भी कहा, दीपशिखा जी, कि जिस तरह से इन्फ्लेशन, अभी हम जानते हैं कि अमेरिका हो या विकसित देश बहुत सारे हैं, वहाँ इन्फ्लेशन आज की तारीख में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सरकार ने इन्फ्लेशन को रोका है, सरकार ने भी, रिजर्व बैंक ने रोकने का काम किया है, और जो गरीब जनता है उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है उस इम्पैक्ट को बहुत मिनिमाइज करने का काम किया है। जी, रिजर्व बैंक और सरकार दोनों की तरफ से एफर्ट्स किए गए हैं, नीतियां लाई गई हैं। हमने देखा है कि रिजर्व बैंक जो है बराबर ब्याज दर बढ़ाया था, बिल्कुल, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी फूड स्टॉक्स अभी कुछ दिन पहले ही एक्स्ट्रा व्हीट और ओपन मार्केट सेल के लिए चावल के लिए अनाउंसमेंट किया गया। तो सरकार की तरफ से इंटरवेंशंस जो है, नीतियां लाई जा रही हैं जिससे कि प्राइसेस को कम किया जा सके। जैसे नेफेड इंपोर्ट अगर करना है, कोई खाद्य पदार्थ का दाम बहुत बढ़ रहा है, या तेल के ऊपर भी, पेट्रोल डीजल के ऊपर भी अगर ड्यूटी कम करने की बात थी तो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था। तो इस तरह के मेजर्स लिए गए हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, और आगे भी ऐसा किया जा रहा है, बराबर निगरानी बनाई जा रही है, एक खास ग्रुप है मंत्रियों का जो इस पर नजर बराबर रखता है कि किस खाद्य सामग्री का दाम बढ़ रहा है या किस चीज का, जिसमें जहां पे कुछ कदम उठाने की जरूरत पड़ती है। जैसे टमाटर के लिए अभी नेफिट की तरफ से उसकी सस्ते दामों पर बिक्री कराई जा रही है क्योंकि खुदरा दाम जो है उसके काफी हद तक बढ़ गए हैं। तो इस तरह की नीतियां लाई गई हैं और आगे भी सरकार की नजर बनी हुई है। अभी चूंकि सीजनल है, मानसून की वजह से खाद्य पदार्थों का, खासतौर से सब्जियों में दाम बढ़ा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन में थोड़ी वृद्धि हुई है,
लेकिन रिजर्व बैंक और सरकार बराबर नजर बनाए बिल्कुल रखे और वो तमाम जितने भी फंडामेंटल्स हैं उसको सरकार बीते 9 वर्षों में उसको मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए भी हमने कहा कि राष्ट्रपति ने कहा कि जो हमारे नए संकल्प हैं उन संकल्पों को आत्मसात करते हुए हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं और अमृतकाल में प्रवेश करने का मकसद ये कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर स्थापित करना है, विकसित भारत के तौर पर स्थापित करना है और यही पूरे 140 करोड़ की जो आबादी है उन सभी की ये एक आकांक्षा भी है। हमारे पास समय इतना ही है। दीपशिखा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अशोक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो स्वतंत्रता दिवस कल मनाया जाएगा पूरे देश में, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस पर हम निगाह डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो डबल इंजन की सरकार है वो। You got to be careful. Dinak din, dinak din din, dinak din. Tum jana. Amin. अरे गोविंदा जी आप यहाँ? हाँ बबुआ हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाट की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दाद खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। 17वीं सदी से, ध्यान से सुनिएगा, 17वीं सदी से 21वीं सदी तक का साक्षी दिल्ली का लाल किला, देश की एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत जिसने भारत के भविष्य की नींव पढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। यही लाल किला जो बीते 76 साल से भारत में बनते इतिहास और बदलती सत्ताओं का गवाह रहा है। लाल किला इतिहास से मिली सीख और भविष्य के भारत की खुशियों के इतिहास को रचने वाली गाथा का हर 15 अगस्त को साक्षी बनता आ रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी मंगलवार को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में क्या कुछ होने वाला है खास, आए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 77वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने में देश का नेतृत्व करेंगे। लाल किले पर पीएम मोदी को संयुक्त इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस गार्ड सलामी देंगे।
इसके बाद प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे। इसके बाद तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, भारतीय वायुसेना के दो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव द्वारा कार्यक्रम स्थल पर फूलों की वर्षा की जाएगी। पुष्प वर्षा के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से किया था, उसका समापन होगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए कई नई पहल की गई है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष बड़ी संख्या में अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में लाल किले में आयोजित समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश भर से विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लगभग 1,800 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ आमंत्रित किया गया है। ये पहल सरकार के जन भागीदारी दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है। इस दौरान कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है और कोई भी परिंदा पर न मार सके, इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार 1,000 फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं एंटी ड्रोन सिस्टम और 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लाल किले और उसके आसपास तैनात रहेंगे। 15 अगस्त को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, इसमें कई रास्ते बंद भी किए गए हैं। तमाम तरह का हम लोग का डिप्लॉयमेंट बाय नेम ऑर्डर, कौन कहाँ क्या काम करेगा, वो अरेंजमेंट हमने निकाल रखा है। किसी भी अफवाह पे ना जाएं, और एक ये नेशनल फेस्टिवल है, सारी दुनिया नज़र उठाए देख रही है हमारी तरफ, तो लेट अस नॉट एम्बैरेस आवरसेल्व्स, और किसी एक विशेष समुदाय का या किसी एक रिलीजन का नहीं है, ये एक भारतीय फेस्टिवल है और हमें उसी ट्रू स्पिरिट में इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। देश के राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस भव्य समारोह के लाइव प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने भी, आपके अपने चैनल ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। क्या है वो इंतजाम, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। पंद्रह अगस्त आजादी के अमृत महोत्सव से आजादी के अमृत काल में प्रवेश का दिन, देश की आन बान और शान के प्रतीक लाल किले पर आजादी के महोत्सव का दिन, अमर सेनानियों के सपनों का, भारत गढ़ने के संकल्प के प्रगाढ़ होने का दिन, देश का स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन और लोक प्रसारक के लिए अपने राष्ट्रीय दायित्व का दिन। सत्यम शिवम सुंदरम के ध्येय वाक्य के साथ इस ऐतिहासिक दिन के अविस्मरणीय प्रसारण को देश दुनिया के कोने कोने में प्रसारित करने की अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए दूरदर्शन ने इस साल प्रसारण में नए आयाम शामिल किए हैं, जिससे दर्शकों को राष्ट्र गौरव के बोध के साथ उनके मन मस्तिष्क पर इसकी अमिट छाप बने। इस राष्ट्रीय पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टीम कई महीनों से अनथक मेहनत कर रही है। लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि के प्रसारण के लिए नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देश के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए 41 कैमरे लगाए गए हैं। इसमें लाल किले पर 36 HD कैमरे लगाए गए हैं। इनमें वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम, 5 रोबोटिक PTZ कैमरा और 4 जिमी जिप कैमरा, जो डायनेमिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट्स आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा ज्ञान पथ पर ट्रैक एंड ट्रॉली पर कैमरा लगाया गया है। लाल किले के सामने चांदनी चौक की तरफ लगा क्रेन कैमरा फ्रंटल शॉट्स की खूबसूरती को और बढ़ा देगा। हर वर्ष दूरदर्शन पूरी तैयारी के साथ जो कार्यक्रम है, जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, इंडिपेंडेंस डे का माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन है, वो पूरे देश के श्रोताओं तक लेके जाता है। इस बार भी दूरदर्शन ने पूरी तैयारी करी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के राजघाट पे जो आगमन होगा, फिर यहाँ पर आगमन होगा, फिर उसके बाद
जो गार्ड ऑफ ऑनर फिर संबोधन होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उसके बाद जो वो बाकी जो अपने जो यहाँ पर विशेष गेस्ट हैं उनसे मिलने जाएंगे, पूरी की पूरी तैयारी दूरदर्शन ने करी है। 41 कैमरा दूरदर्शन ने लगाए हैं जिसमें 5 राजघाट पे और 36 यहाँ पर होंगे। 5 उसमें से रोबोटिक कैमरा हैं, जो 36 कैमरा यहाँ पर लगाए हैं उसमें से 5 रोबोटिक कैमरा हैं। और विशेष बात यह है कि इस बार 2 जो कैमरा पर्सन हैं वो महिलाएं हैं जिनको कि बाहर से लाया गया है, और दूरदर्शन ने सबसे एक्सपीरियंस्ड अपने जो कैमरामैन हैं दूर दूर से आए हैं। एक मेरे को भी मिले वो ईटानगर से आए हैं, बाकी जगहों से भी आए हैं, और पूरा दूरदर्शन के 150 स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, बाकी सब यहाँ पर जो जुटे हुए हैं, जिससे कि ये जो कार्यक्रम है ये देश के सब श्रोता इसको देख सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यहाँ भी मल्टी कैमरों के जरिए हर गतिविधि को दिखाने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री यहां महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दूरदर्शन के 150 से भी ज्यादा लोगों की टीम पिछले 3 महीने से भारत सरकार के अलग अलग विभागों के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी हुई है। दूरदर्शन इस देश का सबसे पहला चैनल होने के साथ ही सबसे बड़े नेटवर्क के लिए देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। राष्ट्र प्रथम और कार्य सर्वोत्तम के मंत्र के साथ लोक प्रसारक दूरदर्शन अपने प्रसारण प्रतिबद्धता पर अडिग है। गिरीश निशाना के साथ कंचन प्रसाद, डीडी न्यूज, दिल्ली। और 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह को संबोधित करेंगे। लाल किला, राजघाट, वॉर मेमोरियल सज धर कर बिल्कुल तैयार है। कार्यक्रम में उन 1800 से अधिक विशिष्ट अतिथियों को बुलाया गया है जिन्होंने गांव, समाज और शहर की नींव मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पूरे देश में आजादी का जश्न है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करेंगे। ये पल उन विशिष्ट अतिथियों के लिए भी अभूतपूर्व होगा जब वे प्रधानमंत्री को सुनेंगे। ऐसे 1800 विशिष्ट अतिथि दिल्ली आए हैं। इन अतिथियों ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण किया। ये जो म्यूजियम है, स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम है, वो उसी लेवल का है। तो ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस प्रकार का म्यूजियम हमारे दिल्ली में भी सारे प्रधानमंत्रियों की जो भी उनका कार्यवश में उन्होंने कार्य किए थे उसको इंक्लूड किया गया है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के एक आह्वान को स्वीकारा, स्कूली बच्चों के लिए वरदान बनी, शिक्षा का अलख जगाई और चारों तरफ ज्ञान से उजाला कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें रास्ता दिखाया है एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण, और जैसा कि शिक्षक होते हैं उसकी आधारशिला, हमें जो प्रोत्साहन मिला है हमें भारत सरकार की तरफ से, तो हमारे जीवन का एक एक क्षण इन नन्हे मुन्ने बच्चों को ऐसा नागरिक बनाने का है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमेशा गूंजे। ये ऐसी कर्मयोगी हैं जो ग्राम प्रधान बनी, पंचायत और गांव में हर घर नल योजना को जमीन पर उतारा और पानी के लिए संघर्ष कर रही महिलाओं का जीवन बदल दिया। आज जल जीवन मिशन से, आज भारत सरकार के कारण, मोदी जी के कारण, आज हम देख रहे हैं कि हर घर में पानी की व्यवस्था हो चुकी है, हर घर में नल लग चुके हैं। तो मेरी पहाड़ की जो महिलाएं हैं वो आज दूर दराज से पानी न लाकर अपने घर पे पानी भर रही हैं, तो इससे महिलाओं के कार्य बोझ में कमी आई है। ये ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने खादी को उद्यम से जोड़ा, एक बार फिर चरखा स्वरोजगार का साधन बना और खादी की मांग देश विदेश तक पहुँच गई। यहाँ पर जो खादी से जो बेस्ट आर्टिसंस है जिन्होंने काफ़ी समय से खादी में काम किया है, बुनकर जैसे स्पिनर, व्यूअर्स, ये सब लोग खादी से हमारे यहाँ पर आए हुए और ये गर्वित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको प्रधानमंत्री ने इस बड़े अवसर पर 15 अगस्त को यहाँ पे बुलाया गया है, तो देर मतलब वो लोग काफ़ी गर्वित और उनको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। इन विशेष अतिथियों में 660 से अधिक वाइब्रेंट गाँव के, 400 से अधिक सरपंच, किसान उत्पादक संगठन योजना से जुड़े 250 किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कौशल विकास योजना के प्रतिभागी, संसद भवन और सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले श्रमयोगी, खादी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य से जुड़े लोग शामिल हैं। विविध हिस्सों से लोग प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंचे हैं, उन्होंने यहाँ भारत के प्रधानमंत्री का इतिहास देखा है। जाहिर सी बात है ऐसे लोगों में उनके दिलों में खुशी का अनुभव है और यही लोग कल लाल किले से प्रधानमंत्री को सुनेंगे। अपने सहयोगी काजल साहू और कैमरामैन जगपाल के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे आज पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कैसे मनाया गया इस छोटे से ब्रेक के बाद। Careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा, change soon. It's monsoon. Game. Mutual funds में invest कर रहा हूँ। Mutual funds? ऐसे? Direct plan. Mutual fund schemes में खुद invest करने का एक option है। खुद ही? हाँ। लेकिन ये सोच समझ कर करना पड़ता है। Mutual funds की knowledge होनी चाहिए। सही है ब्रो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास किसानों का आर्थिक विकास। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब बात करेंगे विभाजन विभीषिका दिवस की। ऐसा भी क्या खास था हमारे हिस्से की जमीन में जिसे हासिल करने के लिए हमसे हमारा सब कुछ छिन गया? यह कहना है उन लाखों शरणार्थियों का जिन्हें आजादी की कीमत अपना सब कुछ लुटाकर चुकानी पड़ी। भारत के लिए विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अब हर साल 14 अगस्त को यानी आज के दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज भी यह दिवस पूरे देश में मनाया गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिंदगियों का विभाजन। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और पलायन की एक दर्दनाक कहानी है। 14 अगस्त 1947 की तारीख भारत भला कैसे भूल सकता है। एक तरफ 200 वर्ष की गुलामी के बाद आजादी मिलने वाली थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के दो टुकड़े हो रहे थे। लाखों लोग इधर से उधर हो गए, घर बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जाने गईं। यह दर्द था विभाजन का। भारत के लिए यह विभीषिका से कम नहीं थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जारी इस वीडियो में उस दर्द को महसूस किया जा सकता है। इसी दर्द को याद करते हुए साल 2021 में आजादी की सालगिरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया था। ऐलान 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का। उसी दर्द को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी विभाजन की विभीषिका के उस दर्द को याद करते हुए कहा कि 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन इतिहास में एक काला अध्याय है। इससे उत्पन्न हुई नफरत ने लाखों लोगों की जान ली और करोड़ों लोगों को विस्थापित किया। देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और कई लोग आज भी इस विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी लोगों को नमन करता हूँ जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी और अपने परिजनों की जान गंवाई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को आज पूरे देश ने याद किया। इस कड़ी में देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत के विभाजन की कहानी के विषय पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित NDMC कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस अवसर पर NDMC कन्वेंशन सेंटर में भारत के विभाजन की कहानी की थीम पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। साथ ही विभाजन की त्रासदी से पीड़ित लोगों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए मौन जुलूस भी निकाला गया। जरूरी है कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को समझें और आगे के लिए भी सावधानी बरतें। कार्यक्रम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संबोधित किया। JP नड्डा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर धर्म के आधार पर इलेक्टोरेट बनाया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने 9 अगस्त को क्विट इंडिया का नारा दिया था, वैसे ही 2023 में PM मोदी ने 9 अगस्त को तुष्टीकरण क्विट इंडिया का नारा दिया है। राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दी? मुस्लिम लीग इज 100% इज टोटली अ सेकुलर पार्टी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इज कंप्लीटली अ सेकुलर पार्टी। अभी भी बदले नहीं है, वही सोच है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर ओडिशा में भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी भुवनेश्वर में भारत के विभाजन की कहानी विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा पुरानी दिल्ली के विभाजन संग्रहालय में संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में 1947 के विभाजन की विभीषिका को याद किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। गौरतलब है कि भारत के विभाजन के दौरान लाखों लोगों को विकराल और भयावह त्रासदी सहनी पड़ी थी। वो दर्द आज भी लोगों के मन में जिंदा है। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों भारतवासियों को DD न्यूज की तरफ से शत शत नमन। रजनीश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में जोर शोर से जारी है। भारत की आजादी के 77वें वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये एक विशेष अभियान है। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र निर्माण में हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया, तो वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों और देश भर के लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में अलग ही उत्साह, अलग ही उल्लास देखा जा रहा है। लोग पूरी शान से अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं, साथ ही तिरंगा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय आसमान में लहराते तिरंगे देश के लिए देशवासियों की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दिल्ली में अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे लिए तीन रंगों से सजा कपड़े का टुकड़ा नहीं, भारत की एकता, अखंडता, विशालता, भव्यता और राष्ट्रीय गर्व गौरव का प्रतीक चिन्ह है। हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान, हमारा तिरंगा। तिरंगे की ये ताकत है कि ऑपरेशन गंगा में भी हजारों लोग यूक्रेन की युद्ध की भूमि से सुरक्षित बाहर निकाले गए, भारतीय भी और गैर भारतीय भी। यह तिरंगे की ताकत आज दुनिया भर में देखने को मिलती है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े, अपने घर पे, अपने व्यवसाय की जगह पे तिरंगा अभियान जरूर लगाएं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेते हुए दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया।
देश के अन्य हिस्सों में भी इस अभियान की धूम है। भाजपा की ओडिशा इकाई ने भुवनेश्वर में हर घर तिरंगा रैली निकाली, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यात्रा में शरीक हुए। जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह है। इसके तहत शोपिया में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं किश्तवाड़ में भी एक भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। रैली का आयोजन सिविल प्रशासन किश्तवाड़ ने 52 BN CRPF किश्तवाड़ के सहयोग से किया। लेह में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो हर घर तिरंगा का मुहिम चल रहा है तो उसमें पूरे लेह की आवाम जो है आगे बढ़ के साथ दे रही है और यहाँ पे हमने आज तिरंगा फहराया लेह में और 5 प्रण की शपथ ली है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार से शुरू होकर यह यात्रा भोपाल के विभिन्न स्थानों से होते हुए करीब 35 किलोमीटर का सफर तय कर संत हिरदाराम नगर पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के किस बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, ये खबर बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी. Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. अगर छोले माने तो गोल्डी छोले मसाले. जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं. जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं. गोल्डी मसाले. दिन दिन के दिन दिन के दिन 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 के दिन. तुम जाना. दिन दिन. अरे गोविंदा जी आप यहाँ? हाँ बबुआ हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाट की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाट की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। और न्यूज नेट के अब तक के सफर में जो खबरें आपने देख ली हैं, हम आपको बता दें कौन कौन सी खबरें अभी तक आपने देख ली हैं। हमने आपको दिखाई खबरें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के संबोधन की क्या कुछ खास बातें रहीं, उस पर हमने चर्चा भी की, वो हमने आपको दिखाया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, हो चुकी हैं, ये भी हमने आपको खबर दिखाई। और साथ ही साथ देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से जारी है, तो ये 3 अहम खबरें अब तक के सफर में हमने आपको दिखाई है न्यूज नाइट के अब तक के सफर में। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के एक बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के इस बयान से पता चलता है कि घमंडिया अब किस तरह भारत में जनता का अपमान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि लगता है कि कांग्रेस ने विपक्ष में ही बने रहने का फैसला ले लिया है। कांग्रेस ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाया। लोकतंत्र में वो विश्वास नहीं रखते, जनता को अपने पांव की नोक पर रखते हैं। ये कांग्रेस की हार हताशा और निराशा दिखाती है कि कैसे वो इस समस्या को देख रहे हैं आने वाले समय की। खड़गे जी माफ़ी मांगो, नहीं तो देश आपको करारा जवाब देगा। नेहरू गांधी परिवार तो माफ़ी मांगता नहीं, अहंकार है, घमंड है। और एक घमंडिया गठबंधन के लोग हिंदुस्तान की जनता को राक्षस कह रहे हैं। मुझे लगता है ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य रो खन्ना ने G20 समूह के अध्यक्ष के तौर पर भारत की सक्रियता की सराहना की है। दूरदर्शन के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि आज भारत विश्व भर में वो सम्मान हासिल कर रहा है जिसका वो हकदार है। I think they've done a phenomenal job. I mean, it's going to be a very important visit to the president coming here in September. India is has earned its rightful respect now as a major superpower in the world.
And it's important, though, that we also recognize what Jay Shankar has written about in The India Way, that power must be exercised ethically, and that this means we need to think about poverty, global poverty, climate, issues of women empowerment, justice for other countries that are still struggling to have their proper self-determination. And I welcome India's rise in a world that can ultimately be a more just world. तो अभी आप रो खन्ना को सुन रहे थे, बढ़ेंगे आगे, रखेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश की क्या कुछ स्थिति है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, mutualfundsahiya.com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? mutualfundsahiya.com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बारिश है, सड़कें बदलेंगी, स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। और अब बात हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य में हर तरफ बारिश और बाढ़ से हालात बहुत ही खराब हैं। वहीं कई लोगों की मौत भी हो गई है। क्या है हिमाचल का पूरा हाल, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारी बारिश और बाढ़ की पिछली मार से अभी हिमाचल पूरी तरह उभरा भी नहीं था कि वहां लगातार बरसात फिर तबाही बनकर आई है। राज्य में जगह जगह बाढ़ और भूस्खलन की वजह से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। पूरे राज्य में दर्जनों मार्गों पर यातायात बाधित है। वहीं जुतोंग और समर हिल रेलवे स्टेशनों के बीच कालका शिमला रेलवे ट्रैक भारी बारिश के कारण बह गया है। कंडाघाट शिमला के बीच ट्रेनों की आवाजाही रद्द कर दी गई है। भूस्खलन की वजह से कितने ही मकान ढह गए हैं और लोग मलबे के नीचे दब गए। राहत और बचाव का काम जोर शोर से जारी है। शिमला के समर हिल इलाके के शिव मंदिर के पास भूस्खलन से लगभग 30 लोग मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। घटना में कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इस बीच हादसे की वजह से राजभवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। बादल फटने के नाते ये स्थिति हो गई है, फिर भी प्रशासन पूरी तौर पर लगा हुआ है और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी घटनाएं घट रही है प्रशासन त्वरित गति से वो करके मार्ग भी खुलवा रहा है और आपदा पर लोगों को राहत भी देने का प्रयत्न कर रहा है। मेरे सभी हिमाचल प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है कि वो अपने घरों में बने रहें। बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और पिछले 48 घंटे से काफ़ी जाने जाने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। हमने पिछली ही रात सभी स्कूल संस्थान, शिक्षा संस्थान सभी बंद कर दिए थे। वहीं सोलन जिले के ममलीक तहसील के जड़ों गांव में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण हुई दुर्घटनाओं पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्रदेश में पहले भी हर संभव सहायता प्रदान की थी और अब भी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत दुख होता है सब घटनाओं को देखकर। प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने लगातार हिमाचल प्रदेश में मदद देने के लिए कहा भी और दी भी। पहले भी 12 NDRF की बटालियंस वहाँ पर लगी हुई थी और लगातार मदद कर रही थी। एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ी तो हमने वो भी दिया वहाँ पर। जो जो राज्य ने मांगा हमने अपनी ओर से, केंद्र सरकार की ओर से हर तरह की सेवा, सुविधा और मदद देने का कार्य किया है। हालात को देखते हुए भाजपा के तो इसके साथ ही न्यूज़ नाइट के आज के संग बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।